हाय गाइस, आई एम फ्रॉम एस्टर सॉफ्टवेयर। आपको एस्टर सॉफ्टवेयर को लाइसेंस को कैसे ट्रांसफ़र करना हो कि अदर पीसी में आपको कैसे यहाँ से डीएक्टिवेट करके दूसरे सिस्टम में आपको कैसे एक्टिव करना हो, मैं आपको बताऊंगा। आपको सर एस्टर सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना। पहले ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है तो आपको मान लीजिए कि आपको लगता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर यहाँ से निकाल के मुझे मेरे दूसरी सिस्टम में या दूसरे कोई कोई अदर सिस्टम में आपको सॉफ्टवेयर को लाइसेंस को ट्रांसफ़र करना हो तो कैसे करें, तो सर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको सर यहाँ सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर पे। आप रजिस्टर पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक नया पॉपअप ओपन होगा ऑनलाइन एक्टिवेशन वाला। तो सर वहाँ पर लास्ट में है डीएक्टिवेट लाइसेंस। डीएक्टिवेट लाइसेंस पर आपको वहाँ पर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा शो होगा फॉर्म कि यहाँ पे आपका लाइसेंस का डिटेल शो करेगा, कौन सा यहाँ पे एक्टिवेशन आईडी शो कर रहा है, आपका जो नाम रहेगा, ईमेल एड्रेस रहेगा, क्योंकि मेरा तो ट्रायल है, आपका यहाँ पे शो होगा। और दूसरी बात कि आप जो लाइसेंस आपके एनुअल जो लाइसेंस होगे ना, वो सर 4 टाइम ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और लाइफ टाइम रहेगा तो आपको उसको अनलिमिटेड है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, वो पहले आप देख लेना। यहाँ से आपको लाइसेंस आपका सिलेक्ट करना रहेगा और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है। और यहाँ से पर आपको सिलेक्ट करना है आई एम गोइंग टू मूव एस्टर लाइसेंस अनदर पीसी, राइट। और आपको यहाँ पे शो होगा ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र जैसे आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे तो आपको कंफर्मेशन पूछेगा कि कंफर्म हो आप ट्रांसफ़र करने के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप स्विच टू अदर ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे, प्रोसेस विथ ट्रांसफ़र, तो आपका लाइसेंस जो यही सिस्टम में जो करंट सिस्टम में डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो नया लाइसेंस यहाँ पर शो कर रहा है, ये आपका नया लाइसेंस रहेगा। आपकी जो सिस्टम में जो करंट था वो डीएक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ से आपको सिंपली कॉपी कर लेना है या आपको यहाँ से सेव एज करके आप कहीं पे भी आप सेव कर सकते हो। मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ एस्टर का सॉफ्टवेयर का लाइसेंस, उसका जो की रहेगा वो, तो मैंने की कर दी। यहाँ पे जैसे सेव हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करना है I have saved it as। तो ये आपका सॉफ्टवेयर डीएक्टिवेट हो गया और ऑफ हो गया है जो करंट सिस्टम में है, वो आपका सॉफ्टवेयर आपका डीएक्टिवेट हो गया है। जो आपका नया लाइसेंस रहेगा वो यही रहेगा जो आपने मैंने जो बताया था ना वीडियो में, ये आपका नया लाइसेंस हो गया। तो सिंपली उसमें यहाँ से कॉपी करके आपको दूसरी सिस्टम में अप्लाई करना है। तो आप मान लीजिए अभी आपने दूसरा सिस्टम ओपन किया, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, आपको सिंपली रजिस्टर में जाना है। यहाँ पे दिख रहा है कि आई हैव जो परसेड एस्टर लाइसेंस है ना, वहाँ पे आपको जो ट्रांसफ़र करना है वो नए सिस्टम में यहाँ पर ट्रांसफ़र करके यहाँ पर एक्टिव कर देना है। आपका सक्सेसफुल एक्टिव अदर सिस्टम में हो जाएगा। और ऐसे ही एस्टर सॉफ्टवेयर में कोई आपको प्रॉब्लम फेस होता है तो आप यहाँ से हमको सपोर्ट भी कर सकते हो। हमारा ऐसे चैनल है यूट्यूब पे एस्टर इंडिया करके, और हमारा वेबसाइट है यहाँ पे एस्टर प्रो सॉफ्टवेयर करके है, ये हमारा सॉफ्टवेयर वेबसाइट है सॉफ्टवेयर का। यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर भी ट्रायल भी मिल जाएगा, यहाँ से 14 डे ट्रायल फ्री है हमारा। और आपको मतलब कोई सपोर्ट चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट यूज़ में जा सकते हो। और यहाँ पे 2 ईमेल एड्रेस है, kkcomputersal@gmail.com और दूसरा astroprosoft@gmail.com, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है तो इस नंबर पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो।
एस्टर में कोई भी आपको इशू रहता है तो आप यही शॉप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो हमको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।